एवरीवन, दिस इज अब्दुल बशीर एंड यू आर वाचिंग से दैट इज सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम ओपनिंग बैलेंस को जो है वो हम देखेंगे कि आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ करते हुए इन सी शार्प क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर ओपनिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर या लेजर के अंदर जो है वो आप कैसे जो वो ला सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टी का या अपनी कोई भी स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि प्रीवियस डेट का। तो अभी मेरे पास डेटा जो अवेलेबल है वो है 6 फरवरी 2019 से 25 दिसंबर 2019। तो ये डेट को थोड़ा समझ लें ताकि जब मैं इसका जो ओपनिंग बैलेंस वगैरह लाऊं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस कुछ आ रही हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है जिसकी कोई वाउचर नंबर भी नहीं है और जो है वो उसका डेट भी नल है, ना उसका कोई डेबिट है ना वो है, और उसका बैलेंस जो है भी नल है क्योंकि यहाँ से जो मेरी स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। ये समझ लें एक वाउचर का है जहाँ से मैं जो है वो वाउचर में पैसे लेकर आ रहा हूँ, पैसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। लेजर में भी क्योंकि होता है कि बिल जो है वो पार्टी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और जो वो पेमेंट भी हमें कर रहा है तो यहाँ पे हम बिल को जो है मतलब रिज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हम बिल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी है समझ लें, उसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। आप डेबिट और क्रेडिट साइड आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि आपने कौन सा कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई जो बिल आ रहा है ना वो मैं बिल डाल रहा हूँ, लेट्स से मैं क्रेडिट साइड डाल देता हूँ, ठीक है, और जो पेमेंट आ रही है वो मैं उसकी डेबिट साइड डाल देता हूँ। क्रेडिट मैंने बोला ये बिल है और डेबिट मैं बोल रहा हूँ कि वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको आप भूल जाएँ डिस्क्रिप्शन को, फरवरी 2019 6 को मेरी पार्टी ने जो मुझे 1,000 रुपये पेमेंट करे तो उसका बैलेंस ये प्लस में आ गया, ठीक है। मतलब मैंने उससे ले लिया, अब मेरे पास आ गया कि मुझे उसको देना है, या तो मैं उसको माल दूंगा या तो उसको पैसे रिटर्न करूंगा, तो प्लस में आ गया मेरे पास। देन फिर क्या हुआ, 6 फरवरी को समझ लें उसका बिल आ गया 1,000 रुपये का, तो ये भी यहाँ बैलेंस ज़ीरो हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको बात क्लियर हो रही होगी। अगर मैं अपडेट को यहाँ पर कर देता हूँ 26 6 फरवरी, अच्छा 6 फरवरी की और भी है, पहले हम उसको डिस्क्राइब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, 6 फरवरी को इसने फिर मुझे 2,000 रुपये पेमेंट करे, 2,000 रुपये मेरे पास इसके आ गए जो कि प्लस में है। फिर इसका उसी तारीख को 6 फरवरी को बिल आया 2,000 रुपये का जो कि बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ना तो वो मुझे पैसे देगा ना तो मैं उसको कोई जो वो पेमेंट हो सॉरी कोई माल वगैरह दूंगा, तो यहाँ बैलेंस अभी ज़ीरो चल रहा है, नील चल रहा है। जब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और वीडियो कंटिन्यू देखेंगे, बीच बीच में साथ देखेंगे तो आप कुछ मिस कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। अच्छा, अब मैं यहाँ से जो डेटा ले रहा हूँ वो लेता हूँ 6 फरवरी से, लेट 6 फरवरी और 6 को मैंने लोड करा, देखें अभी भी ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो आ रहा है, क्यों, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ तक अगर 6 से लिया था मतलब 6 भी आएगा। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 12 से, 12 मार्च, 12 मार्च या 12 मार्च, तो अभी देखें ओपनिंग बैलेंस आ गया है ज़ीरो है लेकिन अभी भी ना, क्योंकि वो वहाँ नील हो गया था 6 तक जो है उसका डेटा नील हो गया था। अब 12 मार्च को क्या हुआ भाई, मैंने उसको 500 रुपये का कुछ सामान जो है वो उसको दिया जो कि क्योंकि इसको कोई पेमेंट नहीं थी तो ये माइनस में चला गया, माइनस मतलब मुझे इससे पैसे लेने हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। उसके बाद फिर 17 को गया तो 17 को फिर 1,000 रुपये की मैंने उसको एक और चीज़ दी तो ये हो गया 1,500 रुपये, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा फिर इसको छोड़ दीजिएगा, इसको इसके ऊपर गौर नहीं दें, सिर्फ अमाउंट्स पे दें, 500 1,000 हो गए 1,500। देन फिर इसने मुझे 17 तारीख को पेमेंट की 500 रुपये की, ठीक है, तो यहाँ इसके 500 माइनस हो गए 1,000 हो गए, तो अभी बैलेंस तो सही चल रहा है 1,000 रुपये माइनस में, मतलब मुझे इससे लेने हैं ये 1,000 रुपये, ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं अब करूँ यहाँ पे लेट से 17 तारीख से, 12 तारीख को मेरा बैलेंस क्या आ रहा है माइनस में, इसका बैलेंस आ रहा है 500 रुपये, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस जो आना चाहिए अगर मैं 17 से करता हूँ तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस माइनस में 500 आना चाहिए। लेट से मैंने इसको 17 मार्च कर दिया, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे प्लस में आ रहा है, प्लस में, तो गाइज यहाँ पे एक मेरे पास मिस्टेक हुई हुई थी जो कि मैंने अब सही कर ली है और अभी जो है वो माइनस में
अपने बैलेंस आ रहा है। अच्छा मैं बताऊंगा भी कैसे करना है, लेकिन अभी आप इसको समझेंगे तो सिनेरियो समझ आएगा, तो फिर आपको वो बाद में चीज़ समझ में आएगी। मैं अगेन इसको 12 से करता हूँ, तो आप देखेंगे ये आ गया था यहाँ से 500 का मैंने इसको दिया, ठीक है, फिर से मैंने इसकी 500 का इसको चीज़ बेची जो इसने मुझे पेमेंट नहीं करी, तो इसके ऊपर 1500 चढ़ गए, ठीक है। तो अब मैं 12 को हटा के 17 से लाना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे 17 से बिल आए मेरे पास, और उससे पहले का अगर जो बैलेंस हो तो वो आ जाए। तो यहाँ पे भाई मेरे पास आ गया माइनस में, भाई इसके 500 चल रहे हैं और जो है वो आपके पास 500 पे पहले के हैं, बाकी फिर इसको जो है वो 17 का एक और बिल है तो वो 1500 हो गए। फिर इसी 17 को आप इसको जो है इसने पेमेंट करी आपको 500 एक पेमेंट करी, तो वापसी आपके 1500 से 1000 हो गए। फिर इसने आपको पेमेंट कर दी 5500, इसको मैं फिर बोलूँगा इसको नहीं देखेगा, 5500 इसने पेमेंट करी, तो 5500 में से जब क्या रह गया था बैलेंस, ये 1000 रुपये, तो ये बचेंगे 4500 प्लस में, ठीक है, क्योंकि इसने 4500 ज़्यादा पेमेंट कर दिया आपको बिल के हिसाब से, तो ये आपके यहाँ प्लस में आ गए, ठीक है। फिर इसने 1000 पेमेंट करी, तो ये कितने होगा 5500, फिर आप इसने 5210 रुपये पेमेंट करी, तो 10710 रुपये हो गए। फिर ये मैंने एंट्री करी हुई नॉर्मल। अच्छा फिर यहाँ पे देखें आप 12 तक आपका क्या है बैलेंस, बैलेंस है 10833 रुपये। अच्छा नेक्स्ट बिल है 20 का, लेट्स सपोज भाई यहाँ से 20 जुलाई का जो है वो 20 जुलाई से मुझे बिल दिखा दो। अच्छा 20 जुलाई से मैं बिल देखूँगा तो ये मुझे 10833 रुपये प्लस में यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आना चाहिए, मैंने लोड करा, तो ये देखें ओपनिंग बैलेंस में आपके पास आइए 10833 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद इसने आपने इसको एक और जो है वो, या मैंने इसको जो है वो 5840 रुपये का कुछ सामान दिया, इससे इसका बैलेंस प्लस में, अभी भी प्लस में, मतलब कि हमें इसको पैसे देने हैं ये 4900 कुछ रुपये, या तो मैं इसको भी सामान दूंगा या तो ये हमसे सामान लेगा। फिर इसने 300 कुछ रुपये दिए, फिर 5000 और दे दिए, तो ये जो है वो 10229 रुपये की टोटल आपके पास अभी प्लस में आ गई। तो ओपनिंग बैलेंस भी आपका प्रीवियसली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो आइए हम इसको जो है वो देखते हैं। एसक्यूएल में मैं आपके सामने आ गया हूँ, और यहाँ पे सिंपल सा एक स्टोर प्रोसीजर है, और मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करके जो है ना काफ़ी आसान उसमें समझाने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको पता है स्टोर प्रोसीजर पे ही मैं ज़्यादातर अब काम करता हूँ, तो ये आप क्रिएट कर लें इसकी जगह प्रोसीजर, आपका ये टेबल प्रोसीजर का नाम आ गया। मैंने यहाँ दो चीज़ें ली हुई हैं, क्या लिया हुआ, डेट और टाइप, सॉरी स्टार्ट डेट और एंड डेट। आप यहाँ पे जो है वो वियर के साथ एक और वो भी ले सकते हैं कि कोड, कि अगर किसी आप मतलब के मखसूस कस्टमर का लेना चाह रहे हैं तो यहाँ कस्टमर का नाम भी या उसकी आईडी से गेट करा सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग फिर प्रोसीजर है, वो आप उसमें इनर ज्वाइन लगा के जो है वो मंगवा सकते हैं दोनों में से किसी एक टेबल के साथ। अच्छा ये तो हो गया पैरामीटर मैंने यहाँ क्या रखे हैं, इसके बाद आप देखें, वेट मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, मैंने क्या करा है, सबसे पहले ऊपर वाली जो है उसमें मैंने लिखा सिलेक्ट, डेट को मैंने यहाँ पे नल दिखाया हुआ है। अभी हम कौन सा पहले वाली जो रॉ है इसको हम बना रहे हैं खुद से, ठीक है, क्योंकि हमें ये ज़ीरो चाहिए, यहाँ अपनी बैलेंस हमें देना है खुद से, उसको यहाँ पे हार्ड कोड करना है, तो यहाँ मैं इसकी जो बना रहा हूँ प्री रॉ, ठीक है, ये इंसर्ट नहीं होगी डेटा में लेकिन हमारे पर रिजल्ट में शो होगी, ठीक है। डेट मैंने नल कराया, डिस्क्रिप्शन को मैंने हार्ड कोड कर दिया ओपनिंग बैलेंस, देन वर्चुअल आईडी जो है, सॉरी जो आईडी की कॉलम है इसको मैंने नल कर दिया, इसी तरीके से डेबिट को नल कर दिया और क्रेडिट को भी नल कर दिया। फिर मैंने क्या करा, सम करा मैंने डेबिट्स का सारा और उसको माइनस कर दिया क्रेडिट से, ठीक है, डेबिट को मैंने माइनस कर दिया क्रेडिट से दोनों को सम करने के बाद, और उसको मैंने ऐज कर लिया यहाँ पे बैलेंस के साथ शो, इस बात को समझिएगा, मैंने ऐज कर लिया उसको बैलेंस के साथ, बैलेंस के उसका नाम दे दिया कॉलम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टोटल आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को चलाऊँ तो आपके पास जितना भी वो मतलब है ना ये सारा, ये सब टोटल आ गया उसका, ये जो है वो इन दोनों को माइनस करके अमाउंट क्या बन रहा है, इन दोनों को सम करा, सम करने के बाद माइनस कर दिया तो अमाउंट ये बना। ये तो अपने बैलेंस आकर निकल गया एक के भाई, ये फिक्स हो गया। लेकिन अगर बंदा जो है वो डेट ले लेता है, तो फिर आपने डेट से क्या कराया, मैंने यहाँ वेयर का लगाया और वेयर के साथ मैंने बोल दिया कि जो डेट है ना, डेट की कॉलम
वो स्टार्टिंग डेट से पीछे वाली डेट का सम करो। बात समझे आप? लेट से आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया था, अभी 20 दिया है, तो ये 20 से मतलब 19 से लेके फिर जितना भी डेटा होगा ना पीछे तक का, उन सबको जो वो प्लस करके फिर जो वो माइनस करेगा, ये प्लस करके फिर माइनस करेगा किसको, जो यहाँ गिविंग डेट होगी उससे पीछे वाली को। ये तो बात क्लियर हो गई कि ओपनिंग बैलेंस इसने ले लिया, वहाँ से लेगा जहाँ से हमने उसको डेट दी है उसके पीछे से ये ओपनिंग बैलेंस ले लेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक जो है यूनियन ऑल का जो है वो लिया है, जिससे मैंने क्या कराई, इससे बाकी कॉलम को मैंने ज्वाइन कराया, जो आप देख रहे हैं ना नीचे तीन चार कॉलम या जितनी भी रॉज आ रही हैं सॉरी, उनको मैंने इससे कंबाइन कराने के लिए यहाँ पे यूनियन ऑल जो है वो यूज़ करा। अतः यूनियन ऑल की एक यूज़ करने का एक जो है स्टेप है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। अगर आप वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास एरर जो है वो आएगा अगेन एंड अगेन। दूसरे में मैंने क्या करा, सिलेक्ट कराई डेट, सिंपल इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया कि भाई डे मंथ ईयर ऐसे दिखाओ। उसके बाद सिंपल डिस्क्रिप्शन आईडी और डेटा, डे वेट करा डेट, इसी तरीके से मैंने लास्ट में क्या करा, लास्ट में मैंने डेबिट को माइनस कर दिया क्रेडिट से। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है मेरे पास, सॉरी, उससे जो आ रहा है ना वो इसी बैलेंस के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ से वियर का कीबोर्ड, सॉरी वियर का कीबोर्ड हटा देता हूँ और इतना हिस्सा अगर चलाऊँ तो आप देखेंगे मेरे पास क्या, ओके सॉरी, क्या रिजल्ट आएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से, जो मैंने ये डेबिट क्रेडिट ये माइनस करें ये दोनों, वो ये सी के नीचे बैलेंस आ रहा है, वो इन दोनों को आपस में इन दोनों को माइनस कर करके दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस प्लस जो भी कर रहा है। अच्छा, डेबिट पहले आएगा या क्रेडिट पहले आएगा, क्योंकि अकाउंट से मेरा इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, थोड़ा है लेकिन ये इतना नहीं है, तो आज जो है वो अपने हिसाब से डेबिट को माइनस करें क्रेडिट से या क्रेडिट को माइनस करें डेबिट से, ये आप जो है वो अपना हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कि कब जो है वो माइनस में लेनी है, मतलब वो पेमेंट में लेनी है या कब बिल में लेनी है, ये आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको वापसी वैसी कर देता हूँ, सही है, ये आपके पास आ गया। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि आपने यूनियन ऑल के साथ जिस चीज़ का एहतियात करना है, जो स्टेप है जिसके बगैर ये यूनियन जो है वो यूनियन फंक्शन आपको एरर देगा, वो ये है कि आप जितनी कॉलम्स ऊपर से सिलेक्ट कराएं, लेट्स से डेट 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, उतनी ही नीचे वाले उसमें भी कराएं, लेट्स से डेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, 6, 6, 6 जब आप कराएंगे तो वो हो जाएगा। अगर आपने ऊपर 5 कर दी या नीचे, चेंज नहीं होना चाहिए, जितनी ऊपर है उतनी ही कॉलम्स नीचे भी होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट आएगा, वरना फिर वो आपके पास एरर आएगा। ये भी मैंने उसी टेबल से सिलेक्ट कराया, देन वियर के साथ मैंने यहाँ पे यूज़ करा डेट। ठीक है, यहाँ मैंने करा था लेस देन, क्योंकि मुझे सिर्फ उस डेट के पीछे से चाहिए था जहाँ से यूज़र सेलेक्ट करा, कभी मुझे 20 से मतलब 20 से पीछे का अपनी बैलेंस दिखाओ, क्योंकि 20 से तो मुझे बिल देखना है, मुझे 20 के बिल दिखा दो और उससे पहले का मुझे अपनी बैलेंस भी दिखा दो ऊपर टॉप पे। ठीक है, मैंने यहाँ बिटवीन यूज़ करा, अब बोला भाई बिटवीन जो जहाँ से बंदे ने बोला वहाँ से लेके जहाँ से बंदे ने बोला वहाँ तक का डेटा उसको दिखा दो। ये जो लाइन है ये ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रही है, और ये जो लाइन है वो नीचे के बाकी सारी वाउचर्स उठा के दिखा रही है कि इसने ये डेबिट करा है, ये क्रेडिट करा है। ठीक है, ये तो सिंपल सिलेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी जो आपने ओपनिंग बैलेंस में करना है वो आपने यहाँ पे करना है, और ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल सिलेक्शन करी है हमने, और यहाँ पे जो हमने रॉ को डेटा असाइन कराया है सिंपल। मैंने इसको स्टॉप प्रोसीजर बना लिया, स्टॉप प्रोसीजर बनाने के बाद फिर मैं आ गया क्रिस्टल रिपोर्ट में। मैंने एक सिंपल सी रिपोर्ट बनाई है, जिसमें एक जो है वो बॉक्स बनाया, बीच में कुछ लाइनें लगा दी, ऊपर नाम लिख दिया उसका जो भी होगा, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर वगैरह अगर लाएँ तो वो भी सिंपल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाए वो इस दिया कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी क्रिस्टल रिपोर्ट्स की और भी जो है वो मिल जाएंगी, अगर आपने इंसर्ट कराना है, गेट करना है, वो आप कैसे करेंगे, ये आपने टाइम हो गया, डेट हो गया कि किस टाइम किस डेट को जो प्रिंट हुई है रिपोर्ट। अब थोड़ी सी चीज़ें समझने की हैं, ये जो आपके पास डेबिट क्रेडिट डिस्क्रिप्शन डेट वाउचर ये आ गया आपका यहाँ से। अच्छा, आप ये कैसे करा, मैंने
ये मैं यहाँ कैसे लेकर आया, इसकी आपको बहुत सारी मेरे पास चैनल पे मिल जाएंगी वीडियोस, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही ये लंबी हो गई है वीडियो, तो दैट्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये इसको लेकर आ गया था, मैंने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करा इसको, आईडी को भी करा, डेट को करा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को करा, डेबिट को करा, क्रेडिट को करा, बैलेंस को नहीं करा, ठीक है, बैलेंस को नहीं करा और इन सब को नहीं करा। तो मैंने करा क्या, मैं गया फार्मूले में, नहीं फार्मूले में नहीं, सॉरी, रनिंग टोटल में, मैंने राइट क्लिक करके न्यू करा और यहाँ से इस तरीके से मेरे पास आ गई। मैंने यहाँ से अपनी कॉलम सेलेक्ट करी डेबिट, इसका मैंने नाम रख लिया था डेबिट, यहाँ पे आप नाम रख सकेंगे जब आप न्यू बनाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ। न्यू, यहाँ आप नाम रखेंगे, यहाँ से आप अपनी कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ आ जाएगी, और सिंपल सा ओके आपने कर देना है, तो ये इस तरीके से बनकर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने क्रेडिट के साथ करा, और यही तरीका बिल्कुल आपने बैलेंस के कॉलम के साथ भी करा, कौन सा बैलेंस, ये वाला, ठीक है। हमने टोटल वहाँ से एसक्यूएल से 6 कॉलम सेलेक्ट करवाए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बैलेंस वाले कॉलम का भी आपने रनिंग टोटल निकाल लिया सिंपल वैसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आपने डेबिट उठाया, अच्छा डेबिट आपने उठाया नहीं इधर, एक मिनट, हाँ ये डेबिट उठा के आपने यहाँ नीचे रखा इसके, ये क्रेडिट उठा के यहाँ रखा, और बैलेंस उठा के आपने यहाँ भी रखा अलग से और यहाँ भी रखा, ठीक है, ताकि ये इसका ग्रैंड टोटल यहाँ आपको लास्ट में दिखा देगा कि इसका ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है। तो जैसे ही आप मेन प्रीव्यू में जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा जो है वो आने लग जाएगा, जो आपके पास आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ डेट दी हुई है, अगर मैं इसको हटा दूँ और न्यू करूँ प्रमोट, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 01 और 01 से, ठीक, अब मुझे सारा डेटा पीछे सा दिखा देगा, ठीक है। 10,000 आई थिंक कुछ, सॉरी, 5,329 हमारे पास यहाँ बैलेंस आ रहा है। अच्छा, मैं अगर यहाँ देखूँ, यहाँ तो नहीं आएगा, बहरहाल 5,293 आई थिंक अकाउंट रिपोर्ट्स, 2019 जनवरी, सॉरी 2019 क्या हो गया, जनवरी, जनवरी 01 लोड, अच्छा 10,000 यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे डेटा, एक मिनट इसको चेक कर लूँ कि क्या मसला हुआ है। 6 फरवरी से आ रहा है, 6 फरवरी से दिसंबर 2019 तक लास्ट, ये सही तो है, मतलब कि आप देखें यार, 6 दिसंबर की आखिरी ये उठा रहा है 5,292, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 6 दिसंबर से पहले की, सॉरी 6 दिसंबर लास्ट डेट, तो 5,52 और जी वो आ रहा है। इसकी मैं अगर डेट कर देता हूँ ना, एक मिनट, सही, यहाँ मैं कर देता हूँ 31, ठीक है, अब आ गया वो 10,293, 10,293, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टाटा बाय बाय।